हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल सिवरेमन एकेडमी पे। कल हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट किए थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से हम आप लोग का टॉपिक को पूरा कर नहीं पाए थे। उसमें मेरा पोटेंशियल डिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट था वो छोड़ चुका था। लेकिन हाँ, उसमें हम आप लोग को थोड़ा बताए थे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कि अगर मेरा एक चार्ज है तो उसके चारों ओर जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, उसमें अगर हम एक टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करते हैं, तो जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, हम उसको बोले थे पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपको अगर जो यहाँ पे न्यूली जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कोई स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम मेरे वीडियोस पे आ रहे हैं, तो मैं आपको राय दूंगा कि पहले आप वो वीडियो सब देखें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए देखिए कि पोटेंशियल डिफरेंस, आप समझ ही रहे होंगे कि पोटेंशियल का डिफरेंस तो पोटेंशियल क्या होता है। अब पोटेंशियल जानने के लिए आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा जो हम कल पढ़ा चुके हैं, तो वो आप देख के आएँ। बाकी जो देखे हुए हैं आप यहाँ पे देखिए कि पोटेंशियल का डिफरेंस, तो आप यहाँ पे देखिए इस फिगर को, हम यहाँ पे लिए हुए हैं एक टेस्ट चार्ज प्लस क्यू, ये हो गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट है ए, और इस पॉइंट पे हम रखे हुए हैं एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। क्यू नॉट टेस्ट चार्ज जिसका वैल्यू होता है प्लस वन कूलम। कितना होता है? प्लस वन कूलम। अब हम इस टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से इस पॉइंट में ले आएंगे, तो यहाँ का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल में क्या डिफरेंस होगा, हम उसको बोलते हैं उसका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट है ए, तो इस चार्ज का इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा हम उसको बोलेंगे वी ए, इस पॉइंट पे हम बोलेंगे उसको वी वी। तो हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल। तो इनिशियल तो यहाँ पे था, फाइनल वो पहुँच चुका है यहाँ पे, तो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वी वी, मतलब वी ये फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। और हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं? तो हम इसको डिफाइन करते हैं कि ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, ये बराबर होगा जो हम इसको यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए जो हम एक्सटर्नली वर्क करेंगे, वर्क एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, वर्क एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। इस प्रकार से हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं। और अगर हम इसको डिफिनेशन देखने का ट्राई करेंगे तो ये था, ये उस समय बता भी दिए था आपको नेक्स्ट वीडियो में, वो क्या था कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन साइड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में एक टेस्ट चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में मूव करने के लिए जो आप काम करोगे, वही काम उतने अमाउंट ऑफ एनर्जी आपका क्या होगा, स्टोर्ड होगा उन दोनों पॉइंट के बीच में। और उसका जो डिफरेंस होगा हम उसको बोलेंगे उसका पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो काम हम एक टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में करेंगे, वही मेरा कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन चार्ज कौन सा लाना है आपको? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये था थोड़ा सा बचा हुआ था जो हम आपको उस वीडियो में समझाते समझाते टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया और हमको कट करना पड़ा फिर वो वीडियो। ठीक है, लेकिन इसके बाद कल हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़े थे ना। अब आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल के कुछ चीज़ होता ही नहीं है। एक्चुअल में वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है, वो पोटेंशियल डिफरेंस है। रुको रुको, देखो देखो देखो, जो हम बोले वो सही है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल के फिजिक्स में कोई डिफिनेशन नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं, वो एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस ही है। लेकिन हम उसको फिर भी, और सभी किताबों में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखा रहता है, तो इसीलिए आपको टीचर भी उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में ही पढ़ाता है। लेकिन आपको बता दें वो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर होगा तो एक फाइनल पोटेंशियल होगा और एक इनिशियल पोटेंशियल होगा, और उन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा। सही है, तो चलिए अब वहाँ पे देखते हैं हम। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और उसको समझाते हैं कि हम जो बोले क्या वो सही है। अब बोलोगे, अब देख करके आपको लगेगा कि नहीं ना ना वो सही है सर। चलिए यहाँ पे देखिए आप, हम एक ले लेते हैं प्लस क्यू, ये था मेरा कल का फिगर, ये जो है ये रेस्ट पोजीशन पे है। इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करते थे? एक टेस्ट चार्ज जो क्यू नॉट कहाँ पे था? इन्फिनिटी पे। यहाँ से इसको मूव करते थे किसी एक पॉइंट के बीच, तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं पी। इस पी पॉइंट तक मूव करते थे तो मेरे को एक काम करना पड़ता था, वर्क एक्सटर्नल। तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पे इस चार्ज का पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करते थे? वो होता था वी, और वो बराबर होता था वर्क एक्सटर्नल बाई टेस्ट चार्ज। इस पॉइंट पे मतलब वी पी, मतलब वी पी आ रहा है वर्क एक्सटर्नल बाई क्यू नॉट। लेकिन आपको बता दें ये एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस है। चार्ज पहले कहाँ पे था? इन्फिनिटी पे, तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा।
अब यहाँ का पोटेंशियल से वो यहाँ पहुँच गया तो यहाँ पे एक पोटेंशियल होगा, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल ये है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एक पोटेंशियल डिफरेंस है, कहाँ का, इन्फिनिटी के बीच का पोटेंशियल और उस पॉइंट के पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे गजब की बात क्या है कि इन्फिनिटी में जो पोटेंशियल होता है वो ज़ीरो होता है, जिसके वजह से हम ये बोल देते हैं कि वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना कि पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या बोले हम यहाँ पे, देखिए क्या हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोलता है कि फाइनल पोटेंशियल, ये फाइनल हो गया मतलब वीपी, माइनस इनिशियल कौन सा है, इन्फिनिटी। अब बोलिए कि इन्फिनिटी में पोटेंशियल कितना होगा, अगर ये पॉइंट ये जो इन्फिनिटी है वो अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर में है तो इस चार्ज का क्या पोटेंशियल होगा, वहाँ पे कुछ नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर में अगर वो पॉइंट है तो वहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा ही नहीं, वहाँ पे वो पोटेंशियल अपना अप्लाई ही नहीं करेगा। इसका मतलब वी पोटेंशियल ये कितना हो जाएगा, जीरो। और अगर ये जीरो हो गया तो क्या बच गया, सिर्फ उससे वीपी, तो ये बन गया मेरा वर्क एक्सटर्नल बाय क्यू नॉट। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन नहीं है हमारे फिजिक्स में, वो एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस ही है, लेकिन किसके किसके बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट और इन्फिनिटी के बीच का। तो ये सारा बातें हम उसमें किए थे, आज थोड़ा सा बचा हुआ था जिसको हम कवर कर दिए। इसके बाद आपको न्यू वीडियोस आते रहेंगे, आप जुड़े रहें मेरे साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अगर डाउट रहेगा तो आप ज़रूर बोलोगे। हाँ, एक बात थोड़ा सा बता दें आपको, जब हम चार्ज को मूव कर रहे होते हैं तो इस बात का ध्यान जरूर रखते हैं कि बहुत स्पीड से नहीं लाना होता उसको, बहुत स्पीड से अगर लाएंगे तो उसमें काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व हो जाएगा, तो हमको इसको वेरी वेरी स्लोली लाना पड़ता है, बहुत धीरे 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 लाना पड़ता है, ताकि इसमें कोई एक्सेलरेशन ना आए, है ना, कोई काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व ना हो जाए उस जगह पे। तो ये सारे बातें पे आपको ध्यान रखते हुए ये सब के बारे में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, इसके बाद हम आप लोग के लिए एक्सप्रेशन लेके आएंगे।